नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र। बाबा साहब की यह अटल मान्यता थी कि मनुस्मृति के पक्षपातपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण विधानों को रद्द किए बिना भारत को गौरव प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म को रुद्ध करने के लिए हिंदू नारी को अन्य पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल रचने की ठानी। नेहरू सरकार की ढुलमुल नीति और रूढ़िवादी ब्राह्मणों के विरोध के कारण यह बिल पास नहीं हो सकता था। 26 सितंबर 1951 को बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र के मुद्दे थे, आश्वासन के अनुसार योगदान विभाग नहीं दिया गया और न ही किसी स्मृति में रखा गया, सरकार दलितों के प्रति उदासीन है, कश्मीर के विषय में मतभेद है। बाबा साहब के अनुसार कश्मीर का भाग मुस्लिमों को और हिंदू बहुल भाग भारत को मिलना चाहिए। विदेश नीति में भी मतभेद है। कूटनिरपेक्षता के कारण हमारा कोई मित्र नहीं हो सका, इस कारण सैन्य खर्च बढ़ गया। हिंदू कोड बिल के प्रति भले ही नेहरू जी रुचि रखते हों पर वह उचित दृढ़ पर परिचय नहीं दे सके, अतः निराश होकर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिससे पूरे देश में काफी हलचल भी मची। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।